देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से चुनाव जीते हैं इस बार बीजेपी की टिकट पर, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीते थे। सबसे हाईएस्ट जो मार्जिन रहा इन्हीं का रहा, इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीता, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने जो है यहाँ पे जीत हासिल की है। राणा जो देवेंद्र सिंह राणा है आज श्रीनगर में भी थे और अभी अभी ये श्रीनगर से लौट के आए हैं आज। राणा साहब, सबसे पहले आपको आपकी जीत की मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त आपने जीत हासिल की, इस जीत का श्रेय किसको देते हैं और आपको क्या लगता है क्या बेस रही कि आपको इतने बड़े मार्जिन से और सबसे ज़्यादा मार्जिन आपका रहा, इसका रीज़न क्या रहा? सबसे पहले मैं माँ वैष्णो को नमन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद मिला। मैं नगरोटा के लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करके शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, वो मेरा परिवार है, मैं उनका सेवादार था, सेवादार हूँ और ता उम्र उनका सेवादार रहूँगा, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगा के उनकी सेवा करता रहूँगा। मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं भाजपा के होम मिनिस्टर यशस्वी अमित शाह जी का, मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी जेपी नड्डा जी, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के बीजेपी नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं नगरोटा के लोगों की एक बार फिर सेवा कर सकूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो यश है वो पूरे भारत में है और उसका प्रकाश जम्मू कश्मीर में है, जिसकी छुआएँ जो हैं हम सब पे पड़ी और हम लोग जीते। और मैं अपने कार्यकर्ता बंधु जो हैं उनका, जो मेरे बाजू बन के मेरे साथी बन के दिन रात जिन्होंने काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी राष्ट्रवादी संगठनों का जिन्होंने बड़ी मेहनत करके मेरी इस जीत में एक बड़ा रोल अदा किया। मैं एक बार फिर नगरोटा के आवाम का ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा की तरह हर वर्ग हर समुदाय की सेवा करता रहूँगा और जम्मू के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इंतहा प्यार दिया और बहुत बड़ा मैंडेट। वही जो मैंडेट 29 सीटें और 2014 में 25 सीटें हैं, उसके ज़्यादा सीटें हैं और वोट शेयर भी बढ़ा और कश्मीर वैली में भी आपका वोट शेयर बढ़ा, 5 सीटों पे आप सेकंड पे रहे वहाँ, 5 सीटों पे आप थर्ड पे रहे वहाँ पे, ये किसको क्रेडिट, क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म भी बहुत देखना पड़ा 317 हटने के बाद, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास। मैं समझता हूँ कि जो आज बीजेपी की हाईएस्ट वोट शेयर मिला है जम्मू कश्मीर में, जो तारीखी है, उसका श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेश नीतियों को जाता है जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई और जिससे कि जम्मू कश्मीर का एक माहौल बदला, जम्मू कश्मीर बदला और इसमें उनकी दिशा निर्देश में उनके आदेश अनुसार जो यहाँ पे कार्यशाली हुई उससे लोग प्रभावित होकर लोगों ने अपना पूर्ण मत दिया और लोगों ने एक बार फिर भारत की जमहूरियत पे अपनी मोहर लगाई और भारत के संविधान पे अपनी मोहर लगाई और अपना एतमाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा पे रखा। और मैं समझता हूँ इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत धन्यवाद है और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और उनका जो सपना है नया जम्मू कश्मीर का, जिससे कि अमन शांति और यहाँ का माहौल बदला और यहाँ पे लोगों की बराबर की तरक्की हुई, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ज़राए बढ़े और जनहित और लोकहित की सारी स्कीम जो हैं वो लागू हुई
और उससे बढ़कर हर वर्ग को, हर समुदाय को बराबरी का हक मिला, मैं समझता हूँ उसको ये लोगों ने उस चीज़ को समर्थन दिया। और मैं समझता हूँ कि भाजपा ये चुनाव जो है जीत गई। कहीं ना कहीं थोड़ा है अंदर के ज़्यादा अगर कुछ सीटें आती तो आप कुछ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी, एक क्योंकि राम माधव का अभी बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन जो सीटें हैं वो जो पैरामीटर जो एक गणित है वो बीजेपी के हक में नहीं, हम गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। बीजेपी का जो अपना गणित था उसमें मेरे ख्याल में हम पूरी तरह से उतरे, और कहीं अगर कमी रही तो हमारे शायद सहयोगी जो हैं वो अपना नहीं करते थे। सहयोगी कश्मीर में नहीं, मतलब कुछ लाइक माइंडेड लोग थे, कुछ लोग हमारी नीतियों के साथ जुड़े, लेकिन अगर आप देखें इस बार भी जैसे आप ही ने कहा कि कश्मीर में हम 5 जगह पे नंबर 2 हैं और 5 जगह पे तीसरे नंबर पे हैं, और दो और वोट शेयर भी बड़ा है। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है, और जम्मू कश्मीर जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री। आप एज एन अपोजिशन एक इफेक्टिव रोल यहाँ करेंगे। लोकतंत्र का जो फैसला है वो हमें माननीय है, और लोकतंत्र भारत का एक बार फिर यहाँ विजयी हुआ, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आशा की किरण दिखती है कि एक बेहतर मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर के लिए बनेगा। आप जब आज श्रीनगर गए थे, मेरी बात हुई थी आपसे, तब आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, आपको लग रहा था, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस मिशन के लिए आप गए थे वो मिशन नहीं, थोड़ा वैसा कोई मिशन नहीं था। पार्टी हाईकमान ने एक ड्यूटी लगाई थी कि कुछ लोग श्रीनगर में बैठेंगे, कुछ लोग जम्मू में बैठेंगे, उसी श्रृंखला में मुझे वहाँ जाने को कहा गया। मैं वहाँ बैठा और 3 बजे के करीब वहाँ से आया, जम्मू आया, और माननीय तरुण चुगभी जी भी अभी इसी जम्मू आ रहे हैं। तो माननीय राम, कल कोई मीटिंग है आप? अभी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, मैं अभी पार्टी ऑफिस गया था, वहाँ पे भी सबका धन्यवाद करके आया। अच्छा, लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपका रोल क्या रहेगा, क्योंकि मुझे जो खबर आई, जो हमारी खबर आई है, हो सकता है वो कन्फर्म है कि आपको एज एन अपोजिशन लीडर वो नियुक्त करेंगे यहाँ पे। मैं एक कार्यकर्ता हूँ मेरे भाई, भाजपा का, मैं भाजपा का और लोगों का ऋणी हूँ, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया और जो आशीर्वाद दिया, और मैं एक कार्यकर्ता बन के लोगों की सेवा करूँगा। एक MLA हूँ, एक MLA जो है जो उसको रोल अदा करना चाहिए वो करूँगा, और जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए, हर वर्ग की बेहतरी के लिए, हर संभाग की बेहतरी के लिए, किसी के साथ कोई बेइंसाफी ना हो उसके लिए जो यथाशक्ति यथासमर्थ मैं कर पाऊँगा वो पार्टी। अगर आपको रोल दिया जाएगा तो पार्टी के आदेश के मुताबिक वो मैं सब करूँगा जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी हो, और जम्मू की पीठ नहीं लगनी चाहिए, जम्मू की पीठ नहीं लगी। लास्ट में और मुख्तसर में, क्योंकि ऐसे गणित बने हैं कि 2014 जैसा ही चीज़ें हैं, आपको लगता है कि जम्मू की अनदेखी हो सकती है अगर नई गवर्नमेंट में आप उस पर नज़र रखें? अब जम्मू की अनदेखी नहीं होगी समीर जी, जम्मू जम्मू और जम्मू कायम रहेगा, जम्मू मजबूत रहेगा, और जम्मू के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी, ना करने दी जाएगी। जब तक दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के किसी वर्ग को के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो कायम रहेगा, और जम्मू कश्मीर की यकसां तरक्की करके हर वर्ग को उन्नति की राह पे आगे लिया जाएगा। जैसे पूरा भारत इस वक्त उन्नति की राह पे अग्रसर है, जम्मू कश्मीर भी अग्रसर होगा। न्यूज़ 18 के साथ में समीर, न्यूज़ 18 जम्मू।